सो गाइस मैं दुल्हन बन गई हूँ बगैर दूल्हे के, पर देख सकते हैं कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान में, दुल्हन उसका जब दिल चाहे वो बन सकता है। जैसे कि ईशा तुम्हारा भी दिल चाह रहा होगा दुल्हन बनने का, तभी बन जाए। बिल्कुल ऐसे ही चलेगी ये, बिल्कुल ऐसे। तो शाता जी बहुत प्यारी लग रही है, दुल्हन बन चुकी है। तुम किसके लिए बनी हो दुल्हन, हम सबसे पूछ रहे हैं। अपने आप के लिए ना। सो गाइस मैं बन गई हूँ दुल्हन बगैर दूल्हे के। दूल्हा तो पता नहीं कब अवेलेबल हो, पर मैं दुल्हन बन चुकी हूँ। पर मैं एवरीवन वेलकम बैक टू अरीशेज यूट्यूब चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे असद मेरे साथ क्यों है, क्योंकि असद को मैंने पिक किया है। और इस वक्त हम लोग आए हैं पोर्ट ग्रैंड, जहां पर है आज बलोच कल्चर डे। एंड बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं तो चाहती हूं कि हम हर कल्चर को सेलिब्रेट करें, वीदर इट्स सिंधी पंजाबी कोई भी कल्चर है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उसका दिन सेलिब्रेट करती हूं। तो आज जो है बहुत अच्छा दिन गुजरने वाला है, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं रैंप वॉक, वो भी बलोची आउटफिट्स में। तो हम लोग अभी दोपहर के तकरीबन 4 बज रहे हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर। सो मैं आपको दिखाती हूँ, सो चलते हैं। और व्लॉग शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ आप सब लोग चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और मैं अभी तैयार नहीं हुई, भी अंदर जाके तैयार होंगी, आउटफिट चेंज करूंगी, और नीचे छोटी सी मेरी लगाई। और जो कि इधर आ गई बोली मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, और इतने व्लॉग बनाते हैं बहुत है कॉन्फिडेंस इसमें। हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और ये लोग मेरे साथ हैं, और मेरी और दोस्तें भी अभी आनी है। So, बहुत ग्रैंड इवेंट होने वाला है, और मैं इस इवेंट को तकरीबन कई सालों से सेलिब्रेट करती आ रही हूँ, और यहीं पर। तो आज भी मुझे बहुत खुशी है कि मैं फिर से आप सबके लिए इधर आई हूँ, और बलोच कल्चर डे हम सब आज एंजॉय करेंगे। हमें फुल यहाँ पे प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और यहाँ पर अभी तो बहुत कम आवाम आई है, अभी जो रात को आवाम आएगी आप वो देखेंगे। हम लोग पोर्ट ग्रैंड पहुंच चुके हैं और सब तैयार हो रहे हैं यहाँ पर, और मैं आपको दिखा रही हूँ। ऑल द लेडीज इनसाइड आर गेटिंग रेडी, आई जस्ट शो यू गाइस। ये देखिए एंड द मेकअप आर्टिस्ट आर फ्रॉम इलियास सैलून। एवरीवन गेटिंग रेडी एंड आई एम वेटिंग फॉर माय टर्न। फाइनली माय पार्टनर इज हियर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्या हो गया, अभी तो मिले थे अभी नहीं मिले थे ना, मतलब अभी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब इतने घंटों बाद। मेरा मतलब ये है अंदर सारे लोग तैयार हो रहे हैं, और तैयार हो रहे हैं, हम दोनों ऐसे बैठे हैं बिना मेकअप। हमने बोला है कि भाई सब लड़कियां जब तैयार हो जाए तभी हमें तैयार करना, और वो भी ऐसा तैयार करना, अरिशा को तो डबल तैयार करना, हाँ, कि चमकते चमकते दूर से ही नजर आए, दूर से नजर आए। अरिशा सुमरो, अरिशा सुमरो, हम दुल्हन बनने वाले हैं, मेहंदियां भी लगेंगी। सही बताओ कसम से, मजाक के लाए दुल्हन बनी यार, मैं कभी नहीं बनी मैं भी। मैं तो फिर एक बार बन गई, तू तो वो भी नहीं। मैं भी कभी जिंदगी भी नहीं। चलो फिर आज दुल्हन बन रही हूँ गाइस, दिस इज अ वेरी गुड एंड बिग न्यूज। मैं भी बनाने वाली हूँ, कभी दुल्हन नहीं बनी पर आज आज बनेगी। दुल्हन बन रही हूँ तो बलोची दुल्हन, बलोची दुल्हन कोई बात ना, सुख सिंधी हो तो सिंधी बलोची दुल्हन सही लगेगी। मैं कैसे लगूंगी बहू लगूंगी, सही है, जब दुल्हन बनेगा उसके बाद दिखाएंगे गाइस। ये है मेरा खूबसूरत सा ड्रेस, जरा दिखाइएगा। ओ माई गॉड, इस तरह क्लियर नजर नहीं आ रहा, जब पहनूंगी तब नजर आएगा। क्या खूबसूरत जोड़ा है, अभी दुल्हन बनने वाली हूँ। ये ब्राइडल ड्रेस है ना, कह तो रही हूँ दुल्हन बनूंगी आज मैं, दुल्हन दुल्हन बगैर दूल्हे वाली दुल्हन, और ये ड्रेस पहनूंगी बलोची दुल्हन, बहुत खूबसूरत है। कांट वेट टू स्टाइल इट। बड़ी प्यारी प्यारी दुल्हन है यहाँ पे तैयार हो रही है अंदर, और दो बेवाएं दुल्हन इधर बैठी है, और वो रही अंदर प्यारी प्यारी दुल्हन, और ये सारी तैयार हो गई हैं। ये जब सब तैयार हो जाएंगे तब हम जाके तैयार होंगे, तब हम होंगे, तब हमारी बारी आएगी। गाइज इस वक्त वहाँ पे ईशा का मेकअप हो रहा है, मैं बैठी हूँ शहताज के पास, जो कि बिल्कुल रेडी हो गई है, इनका मेकअप वगैरह हो गया है, पर इनके बाल नहीं बने जो कि बनेंगे। मेरा तो कुछ भी नहीं बना हुआ, मैं तो ऐसे ही हूँ। और वो रही ईशा कोने में, आपको नजर आया खड़ी हो, हाथ ऊपर, ये रही, ये रही ईशा, नजर आ रही है आपको, नजर क्यों नहीं आ रही तुम? खड़ी भी हूँ मैं, ऐसी हो कि खड़ी ये खड़ी बैठी एक जैसी लगती है। हाँ, तो गाइस फाइनली मेरे मेकअप की बारी आ गई है, और मैं अब तैयार हो रही हूँ, मैं कुछ आप लोगों को दिखाऊं। सो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, और इस वक्त मेरे बन रहे हैं बाल, और
ड्रेस मैंने पहन लिया है जो मैं उठ के आपको प्रॉपरली दिखाती हूँ। सो गाइस मैं बन गई हूँ दुल्हन, जा रही हूँ दूल्हे को ढूंढने। सो गाइस मैं दुल्हन बन गई हूँ बगैर दूल्हे के, पर देख सकते हैं कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान में, दुल्हन उसका जब दिल चाहे वो बन सकते हैं। जैसे कि तुम्हारा भी दिल चाह रहा होगा दुल्हन बनने का, तभी बन रही है। ज़िंदगी में पता नहीं कब बने ना बने, वो तो जुड़े आसमानों में बनते हैं ना, तो हम लोग अभी नौटंकी वाला भी दुल्हन बने। दुल्हन का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदल दे रिश्ते। हर कोई अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का ओवर रुखसती हो रही है। सो गाइस मैं बन गई हूँ दुल्हन बगैर दूल्हे के, दूल्हा तो पता नहीं कब अवेलेबल हो, पर मैं दुल्हन बन चुकी हूँ। पर मेरा कहना अभी तक यही है, ना ढोला हो सी ना रोला हो सी, हम अपने आप के लिए दुल्हन बने हैं और अपने आप के लिए ही बनेंगे, यही कहना है मेरा। और बस दुल्हन बन के मुझे अच्छा लग रहा है, पर मैं नर्वस बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि कौन सा मेरा असली शादी है या मैं नर्वस हूँ, मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ, मैं बिल्कुल कूल हूँ। मैं बस आप लोगों को अपना आउटफिट दिखाना चाह रही थी और अपना ब्राइडल लुक, जो कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार किया है। जैसे कि आप सबको पता है मैं ब्राइडल लुक्स नहीं करती, यूजुअली नहीं करती, पर बलोची इवेंट के लिए और मी डील लोग वालों के लिए, क्योंकि मी डील के साथ मेरा ये कम्युनिकेशन तकरीबन काफ़ी सालों से है, तो उनकी खातिर मैं ये दुल्हन बनी हूँ आज, और आप लोगों की खातिर, क्योंकि काफ़ी मुझे लोग इंसिस्ट कर रहे थे कि आपको दुल्हन के रूप में देखना है, तो देख लें आपके ईशे दुल्हन बन गई है, थोड़ा क्लोज लुक भी ले लें मेरा। सो मेरी वलीमे की दुल्हन ईशा का मैं बताती हूँ, ये पकड़ी ईशा ने, ईशा हो गई है तैयार। अब ईशा का जो ना मजा ये है कि ईशा आपसे जब भी बात करेगी तो वो इस तरह बात करेगी। क्या कह रही हो तुम, ऐसे कह रही हो, गर्दन यूं यूं नहीं होगी इसकी, ये पूरा जिसे मिलाएगी। क्या कह रही हो, ऐसे चलो वहां ऐसे बात करेगी ईशा। तो ये मेरी वलीमे की दुल्हन जो है रेडी है, मैं शादी की दुल्हन बनी हूँ, ये वलीमे की दुल्हन बनी है और बाकी दुल्हनें बाहर हैं। तो आज बलोच कल्चर डे है, आप क्या कहना चाहेंगी? यार मैं पहली बार मना रही हूँ ये कल्चर डे, और मुझे पता नहीं है कि क्या बोलते हैं, तो अभी जो बाहर जाऊँगी हैप्पी बलोच कल्चर डे बोलो बस। बस हैप्पी बलोच कल्चर डे सारे बलोच। हाँ देखिए आज ये बलोची बनी है बाहर, और दुल्हनों के पास चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ और भी बहुत खूबसूरत दुल्हनें यहाँ पे बनी हुई हैं। सो उनके पास चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही चलेगी ये, बिल्कुल। तो शाता जी बहुत प्यारी लग रही है, दुल्हन बन चुकी है। तुम किसके लिए बनी हो दुल्हन, हम सबसे पूछ रहे हैं। अपने आप के लिए ना, मैं भी अपने आप के लिए बनी हूँ, और ये भी अपने आप के लिए। मैंने बोला है ना, ना ढोला होसी ना रोला होसी, हम अपने आप के लिए दुल्हन बने हुए हैं। तो आज बलोच कल्चर डे, आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ भी नहीं, बस अच्छा लग रहा है बलोची बन के भी, क्योंकि पठान तो वैसे भी है, सिंधी भी है। चलो पठान की में कुछ बोल दो। डेरा खास्ता, डेरा खास्ता, डेरा खास्ता, मतलब इसका बहुत खूबसूरत। वी एवरीबॉडी इज डेरा खास्ता, एवरीबॉडी इज डेरा खास्ता। दुबई चली गई है। ये रही और ज्यादा दुल्हने मेरे पास। पहले आपका नाम क्या है? आजान। आजान, आजान, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नाम है। आजान तुम किसकी दुल्हन बनी हो आज? बस क्या शर्माना नहीं है, खुल के बताओ किसकी दुल्हन बनी हो? दूल्हे का अभी तक नहीं पता। दूल्हे का नहीं पता, ये हर लड़की के दूल्हे का पता क्यों नहीं होता, मुझे ये नहीं समझ आ रही। सबको अच्छे की तलाश है, देखिए इतनी सारी लड़कियां कुंवारी बैठी है। लड़कों किधर हो तुम लोग, किधर हो? पाकिस्तान के लड़के किधर हो? अच्छे लड़के बहुत है, लड़के बहुत है, पर इनको अच्छे चाहिए, अच्छे चिकने नहीं, बॉडी वाले, दाढ़ी दाढ़ी वाले होने चाहिए, मूंछे वाले होने चाहिए, और पैसे वाले। सो भाई आपका नाम क्या है? होने चाहिए केयरिंग, होने चाहिए, ठीक है, सही है। सबा बलोच, जी सबा, सबा भी बड़ी प्यारी लग रही हैं, ये भी बहुत प्यारी, लेकिन इनके ड्रेसेस तो देखें कितने खूबसूरत हैं यार, बहुत खूबसूरत ड्रेसेस हैं। अच्छा तुम किसकी दुल्हन बनी हो? सलीम बनी। किसकी? सलीम। सलीम तो मैंने सुन लिया, अब आगे भी बोलना पड़ेगा। बोल चुकी हो अब पीछे नहीं हटना, बोल चुकी हो। मैंने बोला सलीम भाई, सलीम भाई की दुल्हन बनी। सलीम भाई बोल दिया।
ये देखें दूल्हे को ऐसी औरतें भाई बना देती हैं। ये देखें तो भाई एक दुल्हन हमारे पीछे भी है। भाई आपका नाम क्या है? रक्षंदा चौधरी। इनका भी ड्रेस बड़ा खूबसूरत है, बहुत प्यारी लग रही है। आप किसकी दुल्हन बनी है? अपने दूल्हे की। आपका दूल्हा है? शुक्र, कोई एक लड़की मिली है जिसने माना है कि उसका दूल्हा है। हाँ कोई एक लड़की थी, ये थी। आपका भी है? हाँ, नाम नहीं बताओ। नाम नहीं बताओगी? क्यों बताऊँ। अच्छा तुम्हारा दूल्हा है? हाँ, इन फ्यूचर है ना? इन फ्यूचर। अरे ये देखे है भाई ईशा का दूल्हा है, हमने छुपा के रखा हुआ है। इन फ्यूचर हम आपको दिखा देंगे जब आएगा, यही कहना चाह रही हो ना? हमारे बलोच लड़के भी यहाँ पे तैयार हैं, जो मैंने आपको नहीं दिखाया अभी तक, अभी दिखा रही हूँ। और सारे लोग यहाँ पे तैयार हैं। इनका आउटफिट देखें कितना अच्छा है। ये हमारे बलोच लड़के भी तैयार हैं भाई। असद पता नहीं किधर है, असद बाहर खड़ा है। माशाल्लाह आप सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप भी तो खड़े हो ना उनके साथ, तो मैं सबको लूँ एक साथ। कैसा लग रहा है आज बलोच कल्चर डे? आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बहुत एंजॉय किया हमने और मजीद एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह बस कल्चर को रिप्रेजेंट करते रहे और माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो गाइस मेरे साथ मौजूद है मी डील के रियल ऑनर, जो आप लोगों ने मेरे ख्याल से नहीं देखे होंगे, तो मैंने सोचा उनसे भी आपकी मुलाकात करवा दूं। तो ये हैं जिनका इतना बड़ा हाथ है इतने खूबसूरत जोड़ों में, इतने खूबसूरत कल्चर ट्रेडिशन जो ये फॉलो करते हैं, और इतने इनके मज़ेदार आउटफिट्स होते हैं। और हम मैं माशाल्लाह मैंने आपका लास्ट शो किया था 2019 में ना, 2019 से लेके इट्स बीन 2022, इट्स बीन 4 years आई एम विद देम एंड आई एम वर्किंग विद देम एंड इट्स ग्लैड, इट्स जस्ट सो ग्लैड आई एम वर्किंग विद देम। गाइस छोटी दुल्हन का है? गोपी बहू, गोपी बहू, गोपी बहू किधर रह गई? तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। यार वो बुला रही है, आ जाओ बाहर दुल्हनों। आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, हालांकि ये ऑफिशियल तो बात नहीं है, लेकिन ये इस पहले आउटफिट में रैंप वॉक कर आ गए हम, और अभी ये हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद हमें पहनना है कैजुअल वेयर। और मेरे तो सर में दर्द हो गया है ये पिने पिने पहन पहन के, बाल और टीका बस बीच में हो। देखें गाइस दुल्हन बनना कितना मुश्किल होता है, तभी तो मैं कहती हूँ शादी नहीं करनी। मैंने ना अपने बॉक्स में डाल दिए। फ्लोर पे जब हम गए इतनी कोई आवाम आई हुई है, चीख रही थी, इसको तो तायरान तायरान सुनने को मिल रहा था। तायरान 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 ऐसे चीख रहे थे लोग, तायरान तायरान। पीछे से हम दो भी थे, दूसरा आउटफिट मैंने पहन लिया है और मेरा दूसरा आउटफिट ये है। और आपको बताना भूल गई, मेरी माँ भी इधर आ गई थी। आपने मुझे दुल्हन के रूप में देखा, आपको कैसा लगा? बहुत प्यारी लगी थी, माशाल्लाह बहुत नूर आ गया, ऐसे भी लोग पे नूर आ जाते हैं। मतलब आप देख के मुझे खुश हुई, बहुत खुश हुई। मतलब आप रियल लाइफ में भी दुल्हन बने जल्दी, ये बात कर दी ना दिल दुखाने वाली, मुझे कैसे रोक सब कर सकती हो आप? दूधो फलो ना, क्या कहते हैं, फूलो फलो दूधो ना। ठीक है, अभिषा का भी दूसरा ड्रेस चेंज हो गया और अमला देखें। वाह आज सब बलोच बने हुए हैं, बलोची कल्चर डे बसवाश। दोबारा से रैंप वॉक करेंगे इस आउटफिट में, ये हमारा दूसरा आउटफिट है। इतना प्यारा लग रहा है, इतना कलर सूट करा है, फर्स्ट टाइम तो मैंने कलर पहना। क्या हो गया? मैंने भी ब्लैक बहुत दफा पहना, फिर भी खुशी खुशी पहना है। यार ताली होनी चाहिए एक बार, हालांकि अरीशे खुद माशाल्लाह सिंधी है, तो सबका प्यार है आप लोगों का, तो ये हमारा ये फखर की बात है गाइस, एक बार तालियां होनी चाहिए। क्या बात क्या बात क्या बात। अरे तेरा पुसूर तो शमा दोस्ता मना दे, अरे तेरा पुसूर चा बसवता मना दे, अरे पर कचली मैश कर और ईशा बिल्कुल थके टूटे हुए, सभी थके हैं क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं है।
और अभी बस हम लोग घर जाने की तैयारी में हैं। घर जाने की नहीं, कुछ खाने पीने की, उसके बाद घर जाने की तैयारी। और इवेंट बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने। और बाकी मैं घर जाके बताती हूँ आपको, घर पहुँच के अच्छी तरह से बाय बाय करेंगे। ये देखें बलोची कल्चर डे कुछ इस तरह गुजरा। ये लोग भाई लोग देखें तस्वीर खिंचवाने मेरे लिए, थैंक यू सो मच इतना प्यार और इज्जत देने के लिए, बहुत बहुत मेहरबानी आप सबकी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। फंक्शन हो गया, इवेंट सारा खत्म हो गया, हम लोग हैं अभी बस वापसी घर की तरफ और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो जो लोग आए हमारे लिए, हमें देखने के लिए, हमारे साथ पिक्चर्स लेने के लिए। हमें बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलने के लिए, क्योंकि इस तरह के जो है ना मीटअप्स हम लोग बहुत कम रख रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आवाम अगर ज़्यादा हो जाती है तो हैंडल करना मुश्किल होता है। और हम हैं इतने अमीर नहीं कि अपने बॉडी गार्ड या कोई सिक्योरिटी गार्ड साथ लेकर घूमें। सो खैर, ये इवेंट था आप सबके लिए, मैं आई और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और थैंक्स टू यू वंस अगेन एंड थैंक्स टू मी डील टीम जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। सो ये था हमारे आज का व्लॉग और असद को बस हम घर ड्रॉप कर रहे हैं। यार मुझे छोड़ने जा रहे हैं। हाँ, अम्मी भी साथ हैं और बस इसको घर छोड़ने जा रहे हैं और फिर मैं भी घर जाऊंगी। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है कि ये आपको मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हैप्पी बलोच कल्चर डे टू ऑल ऑफ यू।